हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग करी हूँ क्योंकि अभी ऐसे 2 मंथ्स से ज़्यादा ही हो गया, मैं बाहर भी नहीं निकली और ऐसे ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तो मैं आज कुछ ऐसे बनाऊँगी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ और ब्लॉग भी हो जाएगा। और तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने और आप लोगों से मिलूँगी फ्रेश होने के बाद। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैं नहाने के बाद अपने डार्क स्पॉट्स के लिए कुछ लगाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा जो डार्क स्पॉट था पिंपल्स का मेरा ऐसे हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट अभी चला ही गया है ये क्रीम लगाने की वजह से। तो मैं लगाती हूँ ये ग्लोशिन, ये ऐसे फार्मेसी में मिल जाता है। सच में ये क्रीम बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ये लगाती हूँ, जब भी मेरा इसे स्पॉट होता है पिंपल्स का तो ये पूरा चला जाता है। अभी मेरा चला ही गया है, थोड़ा ऐसे रह गया है, पूरा यहाँ पे हो गया था मेरा, क्योंकि मेरा नींद नहीं हो रहा था। तो नींद पूरा नहीं होने से ये डार्क सर्कल भी होता है और ये पिंपल्स भी होता है, तो पिंपल्स की वजह से पूरा स्पॉट हो गया था। पर अभी मेरा पूरा ऑलमोस्ट चला ही गया है, थोड़ा बाकी है। तो मैं ये रोज़ नहा के मॉर्निंग में लगाती हूँ। अभी मैं पीऊंगी 1 ग्लास वाटर, हॉट वाटर। मेरा ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी रोटी बन रहा है, मेरी चाची बना रही है रोटी, पर मुझे एक रील बनाना है तो मेरा टाइम नहीं होगा बाद में, इसीलिए मैं और मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी। मैंने एक ट्राईपोड लिया था, ये बहुत दिन हुआ ट्राईपोड, पर ये जो मोबाइल होल्डर है ये मेरा टूट गया था, ये गिरने की वजह से टूट गया था। तो फिर से मैंने ये लिया है, तो मैंने सोचा इतना कॉस्टली नहीं लूँगी, पर कॉस्टली नहीं लेने की वजह से ये फिर मेरा निकल गया, तो इसे मुझे गम से चिपकाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग लेते हो ट्राईपोड तो हमेशा अच्छे प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये मनी वेस्ट भी होता है। हम लोग सोचते हैं कि कम में ले लें, पर कम पे लेने से ज़्यादा भारी पड़ता है, मतलब अभी मुझे और लेना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा दिन भी नहीं जाएगा मुझे पता है। तो अभी मेरा हो गया है, ब्रस इज डन। तो अभी मैं आप लोगों को से एक बात शेयर करूँगी। अभी ये जो मैंने मास्क का मस्कारा लिया है, तो जब से मैंने ये लिया है मैं दूसरा यूज़ ही नहीं करती, पर क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो मेबेलिन का मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मेबेलिन इसके कंपैरिजन में मेबेलिन कुछ भी नहीं है। मेबेलिन अच्छा ब्रांड है, पर मार्स का मस्कारा अफोर्डेबल के साथ बहुत ही अच्छा है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये लगाने से आप लोग को आईलेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखेंगे डिफरेंस, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं सच में बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली मेरा रील अभी एक रील हो चुका है कंप्लीट। मैंने फर्स्ट जो एक बार एक डांस दिया था इंस्टाग्राम में वो मुझे बहुत टाइम लगा था, पर ये हो गया, मतलब थोड़ा इजी लगा मुझे। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तो ये रील देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी मैं करूँगी सेकेंड रील, उसके बाद मैं करूँगी कुकिंग। तो सेकेंड रील के लिए मुझे अभी पहनना पड़ेगा जींस एंड शर्ट पहनूंगी, तो अभी सेकेंड करूंगी मैं। और सेकेंड की रील के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने पहना एक शर्ट और एक जींस, और ये डांस मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मुझे थोड़ा फिट करूंगी क्योंकि डांस नॉट फॉर मी, फिर भी कर रही हूँ, डांस करने से वर्कआउट भी होता है इसीलिए। तो अभी मैं करूँगी, तो अभी मैं बनाऊंगी एक फेमस बेंगोली डिश पोटल पोस्तो।
यस पोटल कोफ्ते मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने परवल को यहाँ पे अच्छे से धो लिया है और कट कर लिया है। फिर एक कढ़ाई में तेल दिया है, तेल गर्म होते ही मैंने परवल को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। तो फिर से मैंने कढ़ाई पे तेल डाला है, फिर इसमें प्याज डाला है, फिर इसमें मैंने हल्दी डाला है, नमक, मिर्च पाउडर, फिर इसमें मैंने डाला है पोपी सीड्स और ग्रीन चिली जिसको मैंने एक पेस्ट बना लिया था। फिर इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा। फिर सारे परवल को मैंने यहाँ पे डाल लिया है। फिर इसमें और थोड़ा पानी डाला है ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप मेरा हालत देख सकते हैं, किचन में रहने से ऐसे ही हालत होता है, पर जो पोस्ट तो है वो कम हो गया मुझे ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा शायद। और इसे मैं और थोड़ी देर पकाऊंगी। अभी पोटल पोस्ट तो बन के रेडी है और इसके रिद्धि रानी और हमारे घर पे ये सीरियल एनी टाइम ये सीरियल ही चलता रहता है। सो मेरे पास थे लंच के लिए राइस, पोटल पोस्तो और पम्पकिन का जो लीफ होता है उसका सब्जी। तो मैं यूज़ करती हूँ ये ऑयल, ये है गुड वाइब्स का आलमंड एसेंशियल ऑयल और ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए मैं ये डार्क सर्कल के लिए मसाज के लिए ये यूज़ करती हूँ। ये सारे स्टेप्स मैंने 3 to 4 टाइम्स आप लोग कर सकते हैं, मैंने इसे शॉर्ट में दिखा दिया है वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा, आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक और इसे मैंने पानी से इसे मिक्स कर लिया है और पनीर के क्यूब्स को इससे अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी फ्राई हो चुका है पनीर, मैंने फिर से कढ़ाई में तेल डाला है और उसमें मैंने गार्लिक और जिंजर को ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिया था और उसमें डाला है और मैंने यहाँ पर प्याज भी डाला है और इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें मैंने डाला है ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसमें डाला है मैंने रेड चिली सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जितना भी पनीर का क्यूब्स था जो मैंने फ्राई किया था इसमें डाल दिया है मैंने और इसे मिक्स कर दिया है। फिर इसमें डाला मैंने थोड़ा सा पानी तो पनीर 65 जी अब बन के रेडी है और इसे मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। फिर से किचन में सच में अच्छा ही लग रहा है देख के, खाने पे पता चलेगा कैसा लगेगा तो मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ अभी। मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया इसी वेस्ट होगा इसीलिए मैंने, तो मैं अभी टेस्ट करती हूँ।
अच्छा लग रहा है, पर इसमें कमी है राइस फ्लोर की। जो नहीं था राइस फ्लोर, तो राइस फ्लोर देने से क्रिस्पी होता, ये क्रिस्पी नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बाल ऑलमोस्ट एम्प्टी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बना था इसलिए सब लोगों ने पूरा खा लिया। इसमें थोड़ा ज़्यादा खाया और इसमें इसमें भी बहुत ज़्यादा खाया, इसलिए मैं इतना खा नहीं पाई। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाइट टाइम मेरा स्किन केयर जो रूटीन है वो, तो मैं इसके लिए मामाअर्थ का फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया था, फिर मैंने ये मामाअर्थ का फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। फिर मैं आफ्टर 2 to 3 मिनट्स के बाद मैं इस मामाअर्थ का ही ये फेस सीरम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये फेस सीरम पूरे फेस में, और थोड़ा ऐसे मसाज कर लिया है फेस को। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं करूँगी लंच। लंच में पता नहीं क्या है, तो कुछ ऐसे ही खा के सो जाऊँगी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो भी आप कमेंट करना, और अगर बोरिंग भी लगे तो भी कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कैसा लगा आप लोगों को। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप लोग को इसे और ब्लॉग देखना है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं और ब्लॉग लेके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ वीक में एक बार ब्लॉग डालूँगी, जब तक ये कोरोना वायरस चला ना जाए, क्योंकि कोरोना वायरस जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी और ब्लॉग भी नहीं बन पाएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाय।